हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉलिड स्टेट का 14th एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो 14th एमसीक्यू है क्या? इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस O2- आर अरेंज इन CCP। O2- का भी प्रेजेंट है CCP, तो यहां पे लिखता हूं आराम से O2- इज इक्वल टू CCP इज इक्वल टू FCC। CCP का दूसरा नाम क्या होता है? FCC, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोल सकते हैं। तो अगर फेस सेंटर प्रेजेंट है, मतलब पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द फेसेस। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, तो 1 + 3 = 4, सही है। दिस इज योर नंबर ऑफ एटम्स। अब मैं यहां पे थोड़ा रूल लिखता हूं। इफ CCP मतलब इफ नंबर ऑफ एटम्स आर n, ये तुम्हें मैंने रिलेशनशिप बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में दिया है सॉलिड स्टेट का, आई थिंक सो 15th पार्ट या 16th पार्ट या 17th पार्ट में तुम लोग को दिया। देखो बराबर से, इफ द नंबर ऑफ एटम्स आर n, तो नंबर ऑफ एटम्स निकले हैं 4, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑल्सो n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी n ही होगी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2n, ओके, दो टू टाइम्स होगा। तो अगर मैं अभी यहां पे इसके आगे जा रहा हूं, इधर देखो A+3 कैटाइंस, ओके, 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/6 ऑफ विच वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड, सही है, 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल। नाउ हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड आर? 2 टाइम्स 1/6 इनटू 2 टाइम्स ऑफ n, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर? 4, है ना। FCC नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 4 आए ना FCC में, दैट इज इक्वल 1/6 इनटू 2 × 4 = 8, 8/6, तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 4/3 आएगा बच्चे लोग, मतलब 8 + 3 4/3 होगा, ठीक है। देन A+3 के बाद B कितना है भाई? B+3 कितना है? हाउ मेनी B+3 आर देयर? ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 1/3 of octahedral void is equal to how many octahedral void are there? N, n कितने हैं? 4 निकाला ना बच्चे लोग, देखो n 4 ही निकाला, 2 × 4 = 8 रखा था, तो 1/3 × 4 is equal to 4/3, सही है। तो मैं अभी इसे लिखना शुरू करता हूं, a 4/3 है, b 4/3 है और O 4 है, सही है। दिस विल बी द फॉर्मूला, बट देखते हैं यहां पे कहीं पे दिख रहा है क्या A 4/3 B 4/3, नहीं। तो मैं इसे 4 से मल्टी डिवाइड कर देता हूं, तो इधर आएगा A 1/3 B 1/3 O, सही है, पूरे इसको 4 से डिवाइड किया। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं बच्चे लोग, कितने से मल्टीप्लाई करता हूं? 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर A 1 B 1 O 3 या फिर A B O 3, A B O 3, मतलब कौन सा ऑप्शन आया इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सही है बच्चे लोग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।